नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम के कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर क्राइम से जुड़ी कहानियां और अपडेट आती रहती हैं। वो साल 2006 था जब जितेंद्र नाम के एक शख्स की हरियाणा में हत्या हो गई। उस वक्त उसके भाई कौशल ने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। ये कसम उसे हमेशा याद रहे, इसके लिए उसने पिस्टल से अपने बाएं हाथ की हथेली पर गोली मार ली। जिस वक्त उसने कसम खाते हुए खुद को गोली मारी थी उस वक्त उसने अपने एक साथी सूबे गुजर को भी वहां बुला लिया था ताकि वो इस कसम का गवाह बन सके। अपने हाथ पर गोली मारने के बाद कौशल का करीब 1.5 महीने तक इलाज चला। इसके बाद वह ठीक हो गया था और बदले के लिए पूरी तरह से तैयार था। और आखिरकार कौशल ने अपनी कसम को पूरी की। उसने अपने गांव के नाहरपुर रूपा के रहने वाले छैल और सुदेश की हत्या कर दी थी और अपने भाई की मौत का बदला लिया। बताया जाता है कि यह गैंगस्टर कौशल द्वारा पहला मर्डर था और इसके बाद उसने साल 2009 में छैलू की बीवी की हत्या कर दी। 26 अगस्त 2019 को जब हरियाणा एसटीएफ ने कौशल को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पकड़ा था तब यह खुलासा हुआ कि उस पर करीबन 200 केस दर्ज हैं। इनमें से मर्डर और रंगदारी मांगने जैसे कई संगीन दर्ज हैं। 41 साल का गैंगस्टर कौशल गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा का रहने वाला है और आज से करीबन 20 साल पहले कौशल अपने पिता के साथ प्लम्बरी का छोटा मोटा काम करता था। साल 2002 में उसके खिलाफ सबसे पहले मारपीट के 2 केस दर्ज हुए और जुर्म की दुनिया में पाँव रखने के बाद कौशल के कदम कभी नहीं रुके, ना ही वह पीछे हटा। कौशल पर सदर थाना में हत्या के कम से कम 5 से ज़्यादा मामले दर्ज थे और साल 2006 में अगर बात करें तो अपने जानी दुश्मन छैलू की हत्या करने के बाद कौशल जेल में ही चला गया था। लेकिन साल 2015 में जब वह 6 हफ्ते के लिए पैरोल पर बाहर आया तो वह जेल से बाहर आते ही वह फरार हो गया। अब इसके बाद वह दुबई पहुंचा और दुबई से बैठकर अपनी गैंग रंगदारी मांगने के काम को चलाने लगा। पुलिस के अनुसार कौशल व्हाट्सएप से कॉल कर या वॉइस मैसेज भेजकर रंगदारी मांगता था। और साल 2018 में उसने गुरुग्राम में ओम स्वीट्स के मालिक वॉइस मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। इसी साल उसने एक डॉक्टर से भी इसी तरीके से रंगदारी मांगी थी। साल 2019 में कौशल के खिलाफ हत्या के 3 मामले दर्ज किए गए। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या के बाद पुलिस पर कौशल चौधरी को पकड़ने का जबरदस्त दबाव था। जाँच के दौरान पुलिस को पता चला कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने 1 करोड़ की रंगदारी न देने पर दुबई में बैठकर विकास चौधरी की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में कौशल की मदद करने वाले कई सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद 26 अगस्त 2019 को दुबई से आने के बाद IGI एयरपोर्ट पर हरियाणा एसटीएफ द्वारा कौशल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस को भी राहत की सांस मिलती है। आज गैंगस्टर कौशल चौधरी तिहाड़ जेल से बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। गैंगस्टर कौशल चौधरी ने देवेंद्र बम्बिया ग्रुप के सरगना मोस्ट वांटेड डॉन लक्की पटियाल के साथ क्राइम सिंडिकेट बनाया हुआ है, जिसके जरिए वह पूरे उत्तर भारत में संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। अभी हाल फिलहाल में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर संदीप नांगल अंबिया और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में गैंगस्टर कौशल चौधरी का भी हाथ बताया जाता है। आज तिहाड़ जेल में बैठकर कौशल चौधरी पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गैंगस्टर कौशल चौधरी की। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य करें, इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में और बने रहिए हमारे साथ कटाक्ष टीवी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।